Good morning, children. Now we learn about second part of this chapter, software piracy. Safety measures for using computers and internet, digital footprints. First of all, software piracy. पायरेसी में छोटा डकैती, ये कंप्यूटर के द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे लोग आसान उसको कैप्चर कर ले, मींस कैसे उसमें अपना मतलब डोमिनेंट हो जा रहा है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस रिफर्स टू अनऑथराइज्ड पब्लिकेशंस and use of computer software. Means software developers works hard to develop software program. जो software developers है वो क्या है कि works hard to develop software. काफी वो मेहनत से जो है इस टाइप के software को develop करके वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे अपने को पूरा कब्जा कर, मींस इफ दोज एप्लीकेशंस आर पायरेटेड एंड स्टोलेड द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विल ऑफन बी एनेबल टू जनरेट द मनी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द सॉफ्टवेयर. हाउ टू prevent software piracy, how to prevent software piracy, हम लोग इससे कैसे prevent कर सकते हैं computer में. Never download unauthorized copies of software from the internet. अनऑथराइज्ड कॉपी जो है वो इंटरनेट से कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए. जिसको आप लोग जानते नहीं हो, जिसके बारे में आप अननोन हो, उसको आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज परचेज ए लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर. हमेशा जो आप सॉफ्टवेयर को मार्केट से आप खरीदते हो, परचेस करते हैं, वो किसी लाइसेंस जो सॉफ्टवेयर है शॉप्स है या लाइसेंस सॉफ्टवेयर जिसको आप जानते हो उसी को परचेस करते. नेवर यूज द सॉफ्टवेयर परचेस फॉर वन सिस्टम ऑन मल्टीपल सिस्टम्स. नेवर यूज द सॉफ्टवेयर परचेस फॉर वन सिस्टम ऑन मल्टीपल सिस्टम्स एंड नेवर यूज पायरेटेड सीडीज आर मूवीज आर म्यूजिक. कभी भी पायरेटेड सीडीज को या मूवी को यूज नहीं करना चाहिए, जो पायरेटेड टाइप सीडीज है. इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर टू सर्टेन ऑफ एनी इंडिविजुअल माइंड्स लाइक इन्वेंशंस आर्टिस्टिक्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर्क्स. इट कैन ऑल्सो बिलोंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशंस लोगोस और सिंबल्स और एनी ब्रांड नेम. किसी भी टाइप के ब्रांड नेम को जो बिजनेसमैन जनरली रूप से यूज करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द अनऑथराइज यूज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आइदर डायरेक्टली आर बाई रिप्रोड्यूसिंग इट इज सम ऑफ अदर फॉर्म्स.
टू प्रिवेंट द इंफ्रिंजमेंट्स इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ टू प्रिवेंट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स हेडिंग यूज टू प्रिवेंट इंफ्रिंजमेंट इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन। ये डिफरेंट एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग ये इंटेलेक्चुअल इंफ्रिंजमेंट डिजाइन को प्रिवेंट कर सकते। कॉपीराइट, वी यूज कॉपीराइट टू सेफगार्ड, वी यूज कॉपीराइट टू सेफगार्ड योर क्रिएटिव वर्क्स आर आर्टिस्टिक वर्क, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क के लिए ये जो है सेफगार्ड। कॉपीराइट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज्ड सर्टेन ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एक्ट द सेफगार्ड इन द इंडस्ट्री फॉर्मुलेशंस, डिजाइन्स, कमर्शियल नेम्स एसेट्रा बाय प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव राइट्स। दीज आर पेटेंट, जो पेटेंट नेम है लाइक पेटेंट प्रोवाइड फॉर्मुलेशन राइट द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज ऑन दियर रिस्क प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क, उस जो प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क है वो अपना क्या करता है, एक कॉन्फिडेंशियल, एक अपना लोगो देता है, एक अपनी अलग से पहचान देता है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, एक अपना ट्रेडमार्क देता है। आप बहुत सारे देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें डी प्रोडक्ट भी आ रहा है, आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में आपको ट्रेडमार्क्स, आपको लोगो, आपका जो पेटेंट है वो सब में आपको अंतर दिखेगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट लाइक इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कंपनीज टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग लाइक द सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग, सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कैसे हम लोग उसके सेफ्टी को मेजर करते हैं, कैसे आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव बिकम ए नेसेसिटी ऑफ एवरीवन लाइफ टुडे एज वी आर यूज्ड टू एकम्प्लीश मोस्ट ऑफ अवर वर्क्स ऑन कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस इक्विप्ड विद इंटरनेट फैसिलिटीज। लाइक सम सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम दीज अनइथिकल प्रैक्टिसेस, कुछ सेफगार्ड वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस में क्या है, नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, अनरिलायबल वेबसाइट्स को कभी ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंसल्ट योर पेरेंट्स अबाउट विच वेबसाइट्स आर टू बी एसेस्ड एंड विच आर नॉट टू बी एसेस्ड, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इमेजेस एसेट्रा आर अननोन वेब पोर्टल। जिस पोर्टल को आप लोग जानते नहीं उसमें आपको अपना पर्सनल जो इंफॉर्मेशन और इमेजेस है उसको शेयर नहीं करना। नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं पीछे भी आपको बताते आया हूं, सबका मैंने बताया, ये साइबर एथिक्स, साइबर क्राइम्स, तो सब में क्या है कि सब में एक सेम प्रोसेस है कि नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन,
अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को डाउनलोड नहीं करना है, जिस मैसेज को आप लोग नहीं जानते हैं उसको ओपन नहीं करना है। डू नॉट ओपन और डू नॉट शेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन और इमेजेस एंड डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि आप अपने पासवर्ड को एक दूसरे को कॉन्फिडेंशियल लॉगिन और पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहिए। इफ यू आर एक्सेसिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर अदर देन योर, मेक श्योर दैट यू हैव लॉक्ड आउट प्रॉपर, उसको लॉक कर देना। वी यूज ओरिजिनल सीरीज इन योर सिस्टम, हमेशा जो है, अभी मैंने जो बताया कि पायरेटेड सीडी को यूज नहीं करना चाहिए, आप लोग हमेशा जो है वो ओरिजिनल सीडीज, जो मार्केट में आपको बहुत सारे ओरिजिनल सीडीज आपको कंप्यूटर की मिलेगी, डीवीडी मिलेगी, पेन ड्राइव्स मिलेंगे, उसी को आपको यूज करना है। एंड नेवर ओपन अनऑथराइज्ड और अननोन इमेज, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी अनऑथराइज और अननोन ईमेल को आप ओपन नहीं करें। एंड सम इंपॉर्टेंस प्रिवेंशन ऑफ गिविंग सेफ्टी मेजर्स। नाउ डिजिटल फुटप्रिंट, नेक्स्ट हेडिंग डिजिटल फुटप्रिंट। व्हाट इज द डिजिटल फुटप्रिंट? द डिजिटल फुटप्रिंट आर द ट्रैक्स, डिजिटल फुटप्रिंट आर द ट्रेस आर ट्रेड मीन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द यूजर वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज, ये लेफ्ट कर देते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के बाद, दिस इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, द सेंस सेटिंग्स चिल्ड्रेन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट, सेंस सेटिंग थिंक चिल्ड्रेन अबाउट डिजिटल प्रिंट के बारे में क्या है? ऑलवेज पोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्टेंट ऑन द इंटरनेट, वेन यू ओपन ए वेबसाइट इट इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री यूज इन कॉग्निटो ब्राउजर्स इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू हिट हिस्ट्री टू बी स्टोर्ड। ये जो है, यदि आप उसके बारे में आप जानते नहीं है, उस वेबसाइट के बारे में आप नोन नहीं है, तो आप उस हिस्ट्री को स्टोर नहीं करना चाहिए। एंड अवॉइड अपलोडिंग इन अप्रोप्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स ऑन द वेब्स, डू नॉट रजिस्टर योरसेल्फ विद योर पर्सनल डिटेल्स और अननोन वेबसाइट्स एंड डिलीट कुकीज फ्रॉम योर सिस्टम। आपके जो सिस्टम है वो किस फॉर्म को डिलीट कर एंड डिलीट द हिस्ट्री लॉग फ्रॉम योर वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर से जो लॉग हिस्ट्री है उसको भी डिलीट करना। सो नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर्स में आपको मैंने साइबर एथिक्स, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, डिजिटल फुटप्रिंट, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू प्रिवेंट इट, इससे ये होता क्या है, इसका इससे हम लोग कैसे आप इसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसे कैसे हम लोग कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, इसके साथ ही ये चैप्टर्स, इस चैप्टर इज फिनिश्ड and given the question answer, match the column, ये सारे जो है आपको WhatsApp ग्रुप के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। बुक की फोटो कॉपी, टेक्स्ट बुक की फोटो कॉपी विथ क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर के साथ WhatsApp ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा।